अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं CS 610 का चैप्टर लेक्चर नंबर 10। तो ये आपका भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स हम अपने लेक्चर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि फ्रेम टाइप आइडेंटिफिकेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। There are some problems with the broadcast. For every broadcast frame on the network, each computer uses computational resources and plays the contact into memory, which interrupts the CPU. One thing is that, and another problem is that if a pair of computers use broadcasting instead of sending them directly, all other computers waste CPU time while discarding the frames. अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है। उन्होंने अब हमें बताया है कि जब एक कंप्यूटर है वो डाटा सेंड करा होता है, तो अगर वो सेम लाइन पे सेंड करा होता है तो जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, उन सब के रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे होते हैं, उन सब का टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। ये इन्हें एक प्रॉब्लम होती है फ्रेम टाइप आइडेंटिफिकेशन में। अब इसका उन्होंने सोल्यूशन निकाला है मल्टी कास्टिंग। द सोल्यूशन टू अबव प्रॉब्लम इज़ मल्टी कास्टिंग। अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मल्टी कास्टिंग है। इट इज़ रिस्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इट वर्क लाइक ब्रॉडकास्टिंग, हाउएवर इट डज नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स ऑटोमेटिकली टू द सीपीयू। अब ये जो है ना, ये फ्रेम्स को ऑटोमेटिकली सीपीयू को सेंड नहीं करती है। द इंटरफेस हार्डवेयर इज प्रोग्राम्ड इन एडवांस टू सेप सर्टेन फ्रेम्स डेट हैव मल्टीकास्टिंग एड्रेस एज अ डेस्टिनेशन एड्रेस। और यहाँ पे होता है कि इफ़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम विश टू रिसीव सर्टेन फ्रेम्स एंड इट प्रोग्राम द इंटरफेस हार्डवेयर टू सेप एन एडिशनल सेट ऑफ एड्रेसेस। अब यहाँ पे ना मल्टीकास्टिंग, एक्चुअली में आपने इसमें इतनी बात याद रखनी है कि ये जो है ये इसका सोल्यूशन है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि फ्रेम टाइप आइडेंटिफिकेशन का सोल्यूशन क्या है, तो आपने एक क्वेश्चन को याद रखना है मल्टीकास्टिंग। इस थ्योरी की आप डी में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, इसको समझने में ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। तो आई थिंक ये आपको ये समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये आपके पेपर में आएगी। आपने इसमें से ये याद रखनी कि इसका सोल्यूशन ये है और ये इसकी एडवांस फॉर्म है, जो कि सीपीयू को ऑटोमेटिकली अपना जो फ्रेम्स है वो सेंड नहीं करती है, जिसकी वजह से अगर प्रोग्राम जो है उसे कुछ स्पेशल फ्रेम चाहिए भी, मैं आपको वैसे शॉर्टली बता देता हूँ, अगर एप्लीकेशन को अगर एक फ्रेम चाहिए भी तो वो एक एडिशनल, यानी कि एक ज़्यादा, यानी कि जिसे हम कहते हैं एडिशनल, उन्हें एड्रेस जो होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन्होंने पहले से स्टोर करके रखे होते हैं। ये एक्चुअली में मल्टीकास्टिंग है। द इंटरफेस हार्डवेयर फ्रेम कैन बी एक्सेप्टिंग थ्री टाइप्स, जिसकी अब थ्री टाइप है, मल्टीकास्टिंग है, ब्रॉडकास्ट है, और द फ्रेम्स डाटा डिस्टेंड टू द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। मल्टीकास्टिंग क्या होती है, वी सी डैट दे कैन रिसीव ऑडियो फ्रेम्स इफ़ द इंटरफेस आर प्रोग्राम्ड टू रिसीव दैम एंड अदर कंप्यूटर्स डैट आर नॉट रनिंग दैट ऑडियो एप्लीकेशन विल नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। अब ऐसा है कि एक जो कंप्यूटर है ना, उसने एक ऑडियो का फ्रेम रिसीव किया है, अब बाकी जो कंप्यूटर हैं उन्होंने रिसीव नहीं किया, ना ही उन पर वो ऑडियो का प्रोग्राम चल रहा है। तो अब ये उसका ये सोल्यूशन निकला कि जो वो वाला कंप्यूटर होगा ना जिसने रिसीव किया है, जिस पे चल रहा है, उसके तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं लेकिन बाकी कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। इसे कहते हैं मल्टीकास्ट एड्रेसिंग। आइडेंटिफाइंग पैकेट्स कॉन्टैक्ट, ये था ही नहीं इसके अंदर, हाँ ठीक है। तो इसके आगे आइडेंटिफाइंग पैकेट कॉन्टैक्ट्स के आगे टू टाइप्स हैं, एक है एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप और दूसरी है इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि इसमें फ्रेम जो है ना, फ्रेम की टाइप जो इंक्लूड होती है डाटा, जो आपके पास डाटा है ना उसकी, जो जो उसने फ्रेम सेंड किया है उसकी टाइप क्या है, एक्सप्लिसिट का वो काम होता है। इम्प्लिसिट का क्या होता है, फ्रेम द रिसीवर मस्ट इंटरफेयर फ्रॉम द फ्रेम डाटा। अच्छा, इसने इसका जो है ना, इसने ये इंक्लूड करना होता है, डाटा के फ्रेम्स के बारे में जानना होता है, और इसने ये चीज़ को नहीं जानना होता है, ये सिर्फ फ्रेम डाटा के साथ इसका इंटरफेयर होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी चीज़ें, तो वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी ऊपर वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ बताता जाता हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है। हेडर एंड फ्रेम फॉर्मेट, लैन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड डिफाइन फ्रेम फॉर्मेट फॉर ईच टेक्नोलॉजी, ऑल कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स यूज द फॉलोइंग जनरल फॉर्मेट। फर्स्ट हमारे पास फ्रेम हेडर, दूसरा है पेलोड, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक फ्रेम हेडर है, फ्रेम हेडर जो होते हैं ना, जिस तरीके से इसमें प्री सैम्बल है, डेस्ट है, इस ये हेडर है और प्री लोड में डाटा होता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे आ जाएं, प्री सैम्बल क्या होता है, ये होता है जिसने रिसीव करनी होती है, रिसीव असेंक्रोनाइजेशन।
डिस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, यहाँ अगर ये चीज़ 6-7 चीज़ों को पढ़ें आपको सब कुछ क्लियर होगा। डिस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, आइडेंटिफाइज इन डेटेड रिसीवर। डिस्टिनेशन एड्रेस ये है कि जहाँ पर आपने एक डाटा को सेंड किया है, जहाँ पर उसने पहुँचना है उसको कहते हैं डिस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेस होता है सेंडर, यानी कि जो हार्डवेयर का एड्रेस होगा, एक तो डिस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पर पहुँचना है, एक जहाँ से गया है हार्डवेयर का एड्रेस उसको कहते हैं, ये सेंडर का होता है। फ्रेम टाइप क्या होती है, डाटा की टाइप जो सेंड हुआ है, डाटा क्या होता है फ्रेम पेलोड। और CRC क्या होता है, ये एक 3-bit का कोड होता है, 32-bit का कोड होता है। इसके बाद हमारे पास फ्रेम विदाउट टाइप फील्ड, सम लैंड टेक्नोलॉजी डो नॉट इंक्लूड अ टाइप फील्ड। सेंडर एंड रिसीवर कैन एग्री ऑन इंटरप्रेशन विच आर फॉलोइंग, दे एग्री ऑन सिंगल डाटा फॉर्मेट एंड यूज ओनली डा फॉर्मेट, दिस लिमिट टू वन टाइप ऑफ डाटा। इन दिस वे ऑल कंप्यूटर्स ऑन लैन मस्ट यूज वन फॉर्मेट, ऑल दे एग्री टू इनकोड डाटा फॉर्मेट इन टू फर्स्ट न्यू बाइट्स ऑफ डाटा फील्ड। अब क्या होता है कि कुछ लैन टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो इसमें एग्री नहीं करती हैं, कुछ सेंडर और रिसीवर के बीच इंटरसेप्शन हो जाते हैं, तो वो अपने डाटा को सेपरेटली सेंड कर देते हैं, अपने उनको इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको कहते हैं फ्रेम विदाउट टाइप फील्ड। इसके बाद हमारे पास इनकोडिंग डाटा, अब हमारे पास ये दोबारा से चेंज हो गया, हमने पहले कौन सा पढ़ा था 802.11, 802.3 इससे पहले पढ़ा था, अब हमारे पास आ गया है 802.2 आ गया। स्टैंडर्ड इंक्लूड लॉजिकल लिंक कंट्रोल, अब आपके पास आ जाता है कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल में क्या कौन सा यूज़ होता है, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसको ये कहते हैं 802.2 जो है ये इसमें यूज़ होगा लॉजिकल लिंक कंट्रोल में। सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट्स हेडर, अननोन टाइप्स जो हैं ये वही वाली हैं जो ऊपर पड़ी हैं। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, अब एनालिसिस ये आपसे खुद को पढ़ा चल रहा होगा कि जो मॉनिटर करता है, एंड नेटवर्क एनालिसिस आल्सो कॉल्ड नेटवर्क मॉनिटर आर नेटवर्क स्नीफर इज यूज टू एग्जामाइन द परफॉर्मेंस ऑफ डिबग आर नेटवर्क। डिबग जो होता है एरर को कहते हैं, डिबग जो एरर को फाइंड करता है उसको कहते हैं डिबग। अब ये मॉनिटर करता है सारे काम को। ऑपरेशंस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस ये काफ़ी लॉन्ग है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके मसले में बताना है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।